Number 6, please. Thank you very much, sir. लिया नहीं है भाई, तो मतलब ये मत समझना कि कोई बड़ा तगड़ा प्रोफेशनल इंटरव्यूअर आ गया। तो सर, सबसे पहली जो शुरुआत हम शुरुआत करेंगे बचपन से, तो जिस तरीके से मैंने आज तक सिर्फ इंटरव्यूज देखी है, तो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस पे पूछे जाते हैं, आइडल्स भी पूछे जाते हैं, तो सर कोई एक ऐसा किस्सा जिसमें कहते हैं आपने कोई बहुत तगड़ी शरारत कर दी, और कहते हैं मतलब अपने फादर साहब से कुछ आपको बहुत तगड़ी डांट या मार, कुछ ऐसी कोई ऐसा किस्सा सर? शरारती तो रहे होंगे सर आप। थैंक यू सो मच। शरारत तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आप तो गाना बजाते हैं शरारती आए और मानता पकड़ूंगे सर। तो लाइफ में शरारत शायद जब चाइल्डहुड में बच्चों ने सभी ने की होगी, पर मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, तो बहुत बार घर के काम छोड़ के क्रिकेट के लिए निकल जाते थे। तो अभी तो बच्चे माँ बाप चाहते हैं कि घर से बाहर जाए खेलने के लिए जाए, उस वक्त का ये वक्त था कि शाम को 7 बजे के बाद माँ बाप ढूंढने निकलते थे कि भाई कहाँ हैं हमारे बच्चे, वह होगा छोटे लोगों के साथ। तो एक बार तब मैं गाजियाबाद होता था, तो शाहदरा हम लोग मैच खेलने चले गए अपने फ्रेंड के साथ। तो मैच खेलने के बाद हम लोग मूवी भी देखने चले गए शाम के वक्त। तो रात को 12 बजे जब घर लौटे, तो उस दिन अच्छी खासी डांट मिली, लेकिन मुझे क्रिकेट और मूवी का बहुत शौक था। सर डांट नहीं, मेरे फादर ने मुझे ना कभी मारा नहीं है बेसिकली। विकास सर को मैं आपको मतलब बताता हूँ, एक ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो विकास सर को पूरी एक रात पंखे से उल्टा लटकाया गया था। तभी तो फर्क है, विकास सर को पंखे से लटका के रखा, तो वो भी लोगों को धमका रहे थे स्टेज पर, अब वो तो जब का गुस्सा आप दिखा रहे लोगों को, है ना, किसी को कह रहे राइडिंग लोग कर देंगे, किसी को कह रहा कह रहे। तो बहरहाल माँ बाप को बच्चे के लिए अच्छा बिहेव रखना चाहिए हमेशा, और शायद वो वक्त था तब गार्जियंस भी पिट लेते थे, स्कूल में भी टीचर होते थे कि बच्चों की पिटाई करते थे, लेकिन आज का टाइम वो चेंज हो गया। बहरहाल शायद उस वक्त के टीचर स्ट्रॉन्ग थे, तो बच्चे भी स्ट्रॉन्ग बने हैं, और मुझे लगता है कि वो जनरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज एक अच्छे अचीवमेंट कर रही है। जो न्यू जनरेशन होगी वो डिजिटली शायद स्ट्रॉन्ग रहे लेकिन फिजिकल नहीं, तो उस वक्त की पिटाई भी अच्छी होती थी और डांट भी अच्छी होती थी। ओके तो सर, वही स्टार्टिंग से बचपन से अगर मैं बात करूं आपके एकेडमिक्स की, एकेडमिक्स सॉरी, तो पढ़ाई में आपका शुरू से कैसा रहा, मतलब आप टॉपर थे या मीडियोकर थे, क्लास बंक्स किया करते थे या नहीं करते थे, तो मतलब कैसा रहा आपका स्टडी पीरियड, कैसा रहा आपका? वो तो मेरे साथ के लोग भी रहे होंगे तो बताएंगे, बट क्लास में टॉपर की बात करूँ तो मेरा एक दोस्त था आमिर, बहुत इंटेलिजेंट था, और मैं शायद उसके बराबर इंटेलिजेंट नहीं था लेकिन शार्प माइंडेड बहुत था, तो ऐसे बना पर टॉपर नहीं रहा हमेशा। और लेकिन क्या था कि मैं आधा वक्त मेरा क्लास में होता था, आधा क्रिकेट ग्राउंड में होता था, बाकी घर की जिम्मेदारी थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो समझदारी थी कि कम ये जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो ही अचीवमेंट कर सकते हैं। दुनिया में लाइफ में हमेशा जो एवरेज स्टूडेंट रहा होगा ना, जो खेल को भी प्रेफर करता है और समाज को भी प्रेफर करता है और पढ़ाई को भी साथ साथ करता है, तो शायद लाइफ में वो ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। तो आपको अचीवमेंट करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप टॉपर हो तो आप अचीवर बनेंगे, बाकी मैं टॉपर रहा, लेकिन उसको भी अगर एक तरफ रखूँ तो लाइफ में लोगों को टॉपर होना या नहीं होना मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है कि आप सीखना कितना चाहते हैं, मैटर करता है कि आप एजुकेशन कितना करना चाहते हैं, मैटर करता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं। और हर एक बच्चे को मुझे लगता है कि आज के टाइम पे भी
स्पोर्ट्स में जरूर जाना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स में नेवर गिव अप पॉलिसी पे काम करते हैं। तो मेरी सक्सेस पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स से ज़्यादा रही है। अगर स्पोर्ट्स मैन ना होता तो शायद मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक ना हूँ। और सर इसके बाद उसी दौरान मतलब एक जो बहुत ही ज़्यादा मोस्टली आस्क क्वेश्चन था, सर आपका मतलब उस टाइम पे कोई ऐसा लव लाइफ रहा हो या आपकी मैरिज अरेंज या लव कैसे मतलब उसके बारे में कुछ थोड़ी सी टिप्पणी। लव लाइफ जैसे कुछ होता नहीं है ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि दुनिया में शायद लोगों को लगता है कि जब आपकी पॉकेट में पैसा हो। मेरी लव लाइफ की बात करें तो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि 2011 में मुझे बड़ा लॉस हुआ था। 17 साल की एज में मैंने पहले 1 करोड़ कमाया, 2011 तक 21 साल की एज तक बहुत सारा मैंने खो दिया। तो आपके साथ लोग तब चल रहे होते हैं जब आप सक्सेस होते हैं, और काला गोरा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सिर्फ जब पैसे होते तो बंदा हैंडसम हो जाता है ना, और जब नहीं होते तो बहुत सारे लोग आपको छोड़ के भी चले जाते हैं। तो अपने को ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, जो ऊपर वाले ने मुझे आज दिया है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, तो सुकून है कि आपके साथ वो पार्टनर आना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला ना आपके लिए अच्छा पार्टनर चुन के रखता है। तो उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, या मुझे अपने आप से या किसी से कोई शिकायत नहीं है कि आप ऊपर वाले के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने आपके लिए बेस्ट लिखा होता है हमेशा। तो वो मुझे मिला और खुश हूँ। सर जितने भी यहाँ मैरिड लोग बैठे हैं उन सब के बिहाफ पे क्वेश्चन कि जिस तरीके से आपको हमने देखा है या खुद से मतलब पर्सनली है, मैं आप लोगों को सच्चे बताऊँ, हम लोग काफ़ी कनेक्टेड है, सर की फैमिली मेंबर्स के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब हर टाइम दिमाग में सिर्फ काम पर पता लग रहा है, ये करने गए फिर वहाँ गए फिर वहाँ। तो सर कैसे मतलब भविष्य को कैसे मतलब आप मैनेज करते हो, अगर डांट डोट तो थोड़ी तो करती होगी ना। देखो डांट तो परेशान है सर, सुनो सर, कई लोग से बात में बताता हूँ, आपने से कोई टाई बांध के नहीं बैठा हुआ, मेरे पास है क्योंकि मेरी वाइफ ने दी थी मुझे, और तो बांधनी पड़ी, बाकी सब लोग बिना टाई के देखो। लेकिन अगर आपके डांट जैसे भी वाइफ के साथ या फैमिली में कुछ होता नहीं, वो एक प्यार होता है, और जब आप रिस्पेक्ट दो फैमिली को, हमेशा रिस्पेक्ट से चलना चाहिए, क्योंकि लोग बाहर आके ना बड़ा रिस्पेक्टफुल बनते हैं, बाहर आके लोगों की इज्जत करते हैं, घर से बाहर निकलने के बाद आप जनाब उनके मुंह से निकल छूटता नहीं है, लेकिन जब घर में होता है बंदा तो वो अलग बिहेवियर के साथ आता है, बीवी के साथ तू तड़ाक से होता है, माँ बाप के साथ तू तड़ाक से होता है। तो हमें सक्सेस होने के लिए पहले ना घर में ठीक होना पड़ेगा, पहले हमें आप जनाब या अपनी वाइफ को इज्जत देनी पड़ेगी, अपने माँ बाप को इज्जत देनी पड़ेगी, तो फिर बाहर नहीं थाउजेंड्स ऑफ पीपल खड़े हैं आपकी इज्जत करने के लिए, है ना। तो अगर आप इज्जत देते हैं और फैमिली को समझ आता है आपको, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फैमिली सबसे ज़्यादा समझती है कि आपकी सक्सेस में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलता है वो फैमिली का मिलता है। और मुझे हमेशा लगता है कि लोगों को फैमिली को साथ कनेक्ट करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिलीनियर मैंने ऐसे देखे सिंगल मर गए, उनके पैसे भी कोई और यूज़ कर रहा होता है, है ना। तो आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा खर्च करो, लोगों को खर्चीला होना चाहिए, क्योंकि जब आदमी इनकम करता है तो आदमी खर्च करने की सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आदमी यहाँ से जाएगा जिंदगी छोड़ के जाएगा तो ऐसे इन्वेस्टमेंट वो करके जाएगा उसके पीछे भी लोग उसके लिए अच्छा बोल रहे हो और अच्छा सोच रहे हो। तो अगर नवीन चौधरी नहीं भी रहेगा तो तब भी सिस्टम चल रहा होगा और थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स लाख मिलियंस ऑफ पीपल्स के घर चल रहे हैं। ये ताजन चौधरी से पता है जी, ये तो बार बार क्वेश्चन आता है और हम ऐसे विकास सर ने मतलब ऐसे माथा पकड़ लेते हैं, कल को नवीन सर नहीं रहे तो सिस्टम का क्या होगा, और समझ रहे तो सर ने उसका आंसर दे दिया भाई। 2000 सीईओ खड़े करने का टारगेट लिया, बिल्कुल सर, बचपन से हमेशा विजनरी रहा और बचपन से हमेशा रिस्की बहुत रहा। तो रिस्की बंदा लोगों को लगता है कि जल्दी ऊपर उठ जाता है और जल्दी गिरता भी है, तो लाइफ में ऐसा हुआ, 21 साल की एज में एक बड़ा नुकसान करा, फिर 28 साल की एज में एक बड़ा नुकसान करा, और जब तक नुकसान करके भरपाई करी तो वापस उठे गिरे 10 बार हुआ लाइफ में ऐसा। पर मैं एक बात कहता हूँ कि इस बार का जो क्योंकि एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें आती हैं, आप कोई भी छोटा से छोटा गेम भी खेलेंगे मोबाइल के अंदर या टीवी पे,
तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन का स्कोर आपका, दूसरे दिन का स्कोर, तीसरे दिन का स्कोर, चौथे दिन का स्कोर आप पर खुद फील करेंगे कि चार दिन के बाद जो आपने गेम खेला पहले दिन के गेम से शायद ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपके लिए, राइट? तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चल रहे हैं, लेकिन समझदार आदमी वही है जो पीछे की गलतियों को ना दोहराए। तो गिरा था और टेक्नोलॉजी से प्यार था, तो हमेशा सोचता था कि यार अच्छा करूंगा, और इसीलिए वैसे बेस्ट लोगों को हायर करता हूं हमेशा। तो लविश चौधरी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, संडे हो, ईद हो, दीपावली हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका प्यार उस दिन भी आता है, आता ही नहीं। हमारे यहाँ मैटर ही नहीं करता कि आज संडे है तो आज संडे की छुट्टी है तो कल प्यार आएगा, या लविश चौधरी सर का आज फोन बंद है तो प्यार नहीं आएगा, या मेरी अगर किसी से बात नहीं हो रही तो क्लोजिंग नहीं होगी, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं सर कभी नहीं। तो सर पहली अर्निंग क्या रही आपकी और पहला जॉब क्या रहा या आपका बिजनेस क्या रहा सबसे पहले फर्स्ट और किस एज में? मैं 9th क्लास में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, 9th क्लास में 13 साल की थी, तो क्लासमेट ही थे मेरे। और पहली जॉब की अगर बात करूँ तो हम लोग पहले एक ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे तो 200 रुपये में एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो 3 सब्जेक्ट पढ़ के आते थे तो 600 रुपये में 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो मैंने ये चलाया था कि भाई मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और 200 रुपये भी पढ़ाऊँगा। तो शायद पहले महीने की इनकम तो मुझे याद है कि 2,000-2,500 रही होगी, लेकिन एक साल के बाद जब मेरा दूसरे साल सेशन था पढ़ाने का, तो मेरे एरिया में भी मेरे बराबर की इनकम किसी टीचर की नहीं थी, क्योंकि हमेशा विद्यार्थी रहा। और 13 साल से 17 साल की एज में मैंने एजुकेशन से पढ़ा के सिर्फ 1 करोड़ कमा लिया था। तो आज अगर मैं 27 अक्टूबर को 34 ईयर्स कंप्लीट करूंगा 34 साल अपनी लाइफ की, लेकिन मुझे 21 साल हो गए काम करते हुए। तो लोगों को लगता है कम एज है, ऐसा कुछ नहीं है। एज आपके बाल सफेद होने से मैटर नहीं करता, आपकी एज कम भी है लेकिन आपका तजुर्बा कितना है, आपने जिंदगी को जिया कितना है, समझा कितना है, और वो हमेशा आपके टफ टाइम से आता है, और मैंने टफ टाइम बहुत बार देखा है। तो आपने जॉब कभी नहीं की है? नहीं, मैंने जॉब की ही नहीं है, मैं जॉब के लिए था ही नहीं, मुझे हमेशा बिजनेस समझ आया और अपने लिए मालिक बन के काम किया हमेशा, इसलिए सब लोगों को मालिकाना सिखाते हैं। तो सर उसी अप डाउन में एक चीज जो दिमाग में बिल्कुल ना मतलब समझ ही नहीं आती, आज तक नहीं आई है, आपने कई बार कहते हैं ओपन स्टेज और अपने इंटरव्यूज में बोला है कि जब कंसेप्ट शुरू किया था तो 36 करोड़ की लायबिलिटी से शुरू किया था, राइट? तो उस टाइम पे सर आप सोच कैसे सकते हो कि मतलब एक तो मतलब बंदे के सर पे कर्ज है 36 करोड़ की लायबिलिटी है और बंदा क्या कह रहा है कि मैं वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रिलियनर बनूंगा, मतलब सीरियसली इट्स हार्ड टू बिलीव। तो सर कैसे मतलब कुछ इस पे आप एक्सप्लेन कीजिए। देखो जब आप प्रेशर में होते तो दो चीज़ें समझ आती हैं, या तो परफॉर्म करो या बैकआउट करो। जब आप डिप्रेस्ड होते हो या परेशान होते हो तो इसका एक लाइव एग्जांपल आपने खुद देखा होगा, दिसंबर 2023 में आप लोगों में से बहुत सारे लोग रूस पे आए होंगे, आए थे? कितने लोग रूस पे थे? उससे ज़्यादा रूस पे नहीं थे, वो सारे लोग क्रूज के बाहर रह गए थे ना, 2700 लोग क्रूज के बाहर थे, 2700, और 2700 लोग यहाँ नहीं आए हैं, 600 लोग होंगे, 700 होंगे, 800 होंगे। एक टूर एंड ट्रेवल्स वाली कंपनी से एक बार ये पूछ के देखना कि 600 से 800 लोगों को आप एक दिन का अरेंजमेंट करके दे सकते हैं कि कहीं नहीं दे सकते, तो वो हाथ खड़े कर देंगे। लेकिन जब 2700 लोग मेरे क्रूज के बाहर थे तो 5 दिन मैंने बिना सोए, शायद आपके भी फोन बंद हुआ होगा एक आध मिनट के लिए, और किसी का जवाब आपका भी ऐसा रहा होगा कि आपने जवाब ना दिया, लेकिन वो जो 5 दिन थे 120 घंटे, 1 मिनट के लिए अगर डाउन तक की टीम का भी मैसेज मुझे आया था तो मैंने उसको रिप्लाई किया, क्योंकि ये मेरी टीम है। और इसको थोड़ा शांति रखें सर अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर में मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, कि अगर कभी प्रेशर हो गया, कोई दिक्कत हो गई, क्योंकि स्पोर्ट्समैन हूँ, और हमेशा ध्यान रखना जिसने प्रेशर में जिताया नाम उसको याद रखते हैं लोग, गोल्ड मेडलिस्ट को याद रखते हैं, सिल्वर वालों को आपको किसी को याद नहीं होगा कि सिल्वर कौन जिता के ले गया, गोल्ड मेडलिस्ट को याद रखते हैं। तो जब 36 करोड़ का माइनस था तो 36 करोड़ का माइनस करने वाले लोग में भी जिगरा चाहिए ना, तो जिगरा होता तो उसको 36 करोड़ का कर्जा होता नहीं, तो 3,60,000 में भी लोग आत्महत्या करने की तरह सोचते हैं, है ना। आपको गिव अप नहीं करना किसी भी सिचुएशन में, मैं एक बात कहता हूँ ऊपर वाले का नाम लेके नेक नियत से अगर आप चल रहे हो
तो मुझे नहीं लगता कि 36 करोड़ छोड़ो 3600 करोड़ से भी वापस आ सकते हैं। एक स्टोरी है कैफे कॉफी डे का के नाम से ब्रांड इंडिया का सीसीडी, उसकी वाइफ उसका हस्बैंड जब मरा है 36 करोड़ की बात पे आप इंस्पायर हो जाते हो। एक लेडी की बात करो 7000 करोड़ के डेप्थ में उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, 7000 करोड़ के डेप्थ में उसके हस्बैंड की डेथ होगी। उस लेडी ने आज अपने ब्रांड को 15000 करोड़ का अगेन बिल्ड कर दिया 4 साल के। मैं तो नहीं करता, आप क्या किस सिचुएशन में सिर्फ आपको खड़े रहना है, स्टेबल रहना। मैंने लोगों से कोई भी व्यक्ति है, मैंने कभी किसी को ये कहा नहीं कि आपको बिजनेस करना, मैंने कहा खड़े रहना सर, चलते रहना ईमानदारी के साथ, क्योंकि बिजनेस ऑटोमेटिक है, बाय प्रोडक्ट। आप अच्छे होंगे लोग आपके साथ करना चाहेंगे। आप सारे एक्ट्रेस की सारे एक्टर की मूवीज नहीं देखते, जो आपको पसंद है उसी की मूवी देखते हो, तो पसंद नापसंद आप पर डिपेंड करता है। तो मैटर नहीं करता कि आपको कोई गिराने के लिए, लोग तो खड़े हैं आपको गिराने के लिए तैयार है। लेकिन 25 साल के इतिहास में अगर मैं अपने तिरंगे की बात करूं, 25 साल के इतिहास में कभी दुबई में अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं हुआ, क्या हम इंडियंस नहीं थे? लेकिन फर्स्ट मूवर या डिसीजन मेकर हमेशा ग्रोथ करता है। हमने अपना इंडिपेंडेंस डे दुबई में इस बार सेलिब्रेट किया और अच्छे से। तो 36 करोड़ कुछ भी नहीं था, एक सोच थी, क्योंकि जो आप सोचते हो वो हो जाता है, लेकिन बशर्ते कि आपकी थॉट ठीक तरीके से काम कर रही हो, किसी का नुकसान ना सोच रही हो, लोगों के नुकसान के बारे में ना। तो 36 करोड़ तो कुछ भी नहीं था, पीनट्स थे। और मुझे लगता है 36 करोड़ तब मिनटों में भी हो जाता है कभी कभी, ड्रॉप होगा। पता नहीं कितने लोगों को 36 करोड़ कमवा दिया होगा सर ने आज की डेट में, है ना। सो बहुत बढ़िया। तो सर अभी जो हमने बात स्टार्ट करी कि मतलब आपने उस टाइम पे सोचा कि मैं ट्रिलियनर बनूंगा, तो आपको सर मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा एक रोड मैप कि किस विजन, देखो एक विजन देखना बहुत अच्छी बात है, आपने देखा है एंड बहुत अच्छा कर भी रहे हो, छोटा सा सर एक रोड मैप अगर पब्लिक को आप बता सको कि मतलब क्या थोड़ी सी प्लानिंग्स हैं आपकी तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लानिंग्स तो आई थिंक 2020 से सभी लोग देख रहे हैं, मार्च 2020 को मैंने स्टार्ट किया था। लॉकडाउन से एक दिन पहले मैंने इस ब्रांड की नींव रखी थी 20 मार्च 2020, बट अगले दिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया। उससे एक दिन मतलब जिस दिन हमने अपनी वेबसाइट बनाई थी, तो तबरेज भाई मेरे साथ दिल्ली हमारे ऑफिस होता था वहाँ बैठे थे लोग, तो तब हमने ये सोचा था। और एक सीरियल आया था अतरुल गाजी, और मैं 36 करोड़ के डेप्थ में भी था, तो वो सीरियल टर्किश सीरियल है और उसने 1200 ईस्वी को दिखाया। तो 1200 ईस्वी में उन लोगों ने ये सोच लिया था कि शायद मैं नहीं लेकिन मेरी आने वाली जनरेशन वर्ल्ड पे राज करेगी, ये उन्होंने 1200 ईस्वी में सोच लिया था। काई कबीला एक, जैसे आपने इंडिया में अमूमन देखे होंगे कुछ लोग झोपड़ी झुग्गी में रहते हैं साइड में बहुत सारे लोग, तो उस तरीके का एक कबीला हुआ है 1200 ईस्वी में तुर्की में। उन लोगों ने अतरुल गाजी एक कैरेक्टर है उसके अंदर, और मैं बड़ा इंस्पायर रहा कि उसको टाइम टाइम पे बड़ी डिफिकल्टीज आती रही, और उसने तब ये ठान लिया था कि भाई मैं सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ दुनिया पे हम लोग राज करेंगे। ऑटोमन एम्पायर आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, 600 साल पूरी दुनिया पे राज किया उन लोगों ने, क्योंकि एक सोच थी काई कबीले वाले बंदे की। तो अगर मैं डेप्थ में हूँ तो मैटर नहीं करता, क्योंकि डेप्थ में जाना उस बंदे के लिए ऊपर वाले ने लिखा है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी से ज्यादा कभी आपको दर्द नहीं देता ऊपर वाला। तो मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, तो शायद ऊपर वाला कुछ बड़ा कराना चाहता है। तो वहां से जो शुरुआत की थी, सोचा था कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में, फॉरेक्स इंडस्ट्री में, स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा करूंगा, और उस दिन ही सोच लिया था कि भाई दुनिया पे राज करेंगे। अगर कबीले वाले लोग सोच सकते तो मुझे अच्छी जगह, तो माइनस मैटर नहीं करता। तो शायद आप कुछ अच्छा सोच के देखो, रास्ते ऊपर वाला बनाता जाता है, आपको अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको जो आपने अपनी लाइफ के बारे में गोल सेट किए हैं, एक बार लिख के लिटरली उनके लिए काम करने की कोशिश करो, आपको वैसे लोग दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी साइकिल बाहर खड़ी है सपोज करो, और आप किसी कॉन्फ्रेंस में ऊपर आए, और आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है या साइकिल चोरी ना हो जाए, तो शायद साइकिल चोरी हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से काम करता है। क्योंकि आपके चेहरे का एक्सप्रेशन ये है कि आपकी साइकिल भी चोरी हो जाएगी और आप अपने इवेंट्स को भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी थॉट्स ऐसी हैं कि अगर बाहर साइकिल है, और अगर साइकिल चोरी होने की थॉट्स आपके दिमाग में आई भी, और आपके दिमाग में अगर साला साइकिल चोरी हो भी जाएगी तो बाइक भी आएगी, और आपने बिजनेस को फोकस किया तो बाहर वो साइकिल भी रहेगी और अगले दिन बाइक भी आएगी। तो आपकी थॉट पॉजिटिव, थॉट प्रोसेस आपका ठीक रहना चाहिए। सोचने के तो पैसे नहीं लगते ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग बड़ी सोच रख ही नहीं पाते, सोचने के पैसे नहीं लगते, क्योंकि जब बड़ी सोच लेते हैं तो लोग आपको पागल कर देते हैं।
फोर्थ स्टैंडर्ड में बराक ओबामा ने ये सोच लिया था कि आई वांट टू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री अमेरिका। निग्रो पर्सन था, लोगों को लगता नहीं था कि वो जब फोर्थ स्टैंडर्ड में किसी ने पूछा था क्लास टीचर ने कि भाई आप क्या बनते हो, तो किसी ने पायलट बताया, किसी ने डॉक्टर बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन बराक ओबामा ने बताया था तो वो बना, इतिहास गवाया, दो बार प्रेसिडेंट बने बराक ओबामा साहब। तो आपको सोचने के पैसे नहीं लगते, तो इसीलिए टारगेट बनाया था कि 2027 तक ट्रिलियनर बनूंगा, क्योंकि वर्ल्ड में बिलियनर बहुत सारे हैं। और मैंने आपको क्या कहा कि गोल्ड मेडलिस्ट को या फर्स्ट पोजीशन वाले लोगों को लोग याद रखते हैं। अगर मैं बिलियनर बन भी गया तो शायद मुझे कौन याद रखेगा, मुझसे पहले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर फर्स्ट ट्रिलियनर बन गया तो दुनिया से पहला अपना तिरंगे का झंडा ये तो पूरी दुनिया को दिखेगा कि पूरे वर्ल्ड में ट्रिलियनर बनने की सोच रखने वाला कोई बंदा है। सोचने में पैसे नहीं लगते ना, लेकिन दिक्कत ये हम बड़ा सोच ही नहीं पाते। और शायद अभी 67 सीईओ खड़े कर भी लिए और 2000 सीईओ का टारगेट है और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन बनाई है। अभी मेरा सेशन शायद यही है, इसके बाद मुझे पता नहीं आज आपने किस तरीके से रखा है। निका सर दोबारा नहीं है मेरा सेशन? यस सर, यस सर। तो बचा के रखो, बात पर्सनली आपके मतलब बचा के रखो। तो थैंक यू। और सर 2027 का जो सबका टारगेट है, हम सबका पूरा योगदान है उसके अंदर, एंड चाहेंगे ऊपर वाले से कि 2027 तक जाना ना पड़े, उससे पहले ही 100% जाएंगे। आप सब लोगों की दुआएं हैं, सिस्टम आपके साथ है, सिस्टम कभी आपको गिव अप नहीं करने देगा। और नहीं, मैंने आज तक लोगों को बनाया है कि भैया आप लोग हार मान लो, क्योंकि मुझे इतना याद है कि अभी हम कैमिदा चैम में थे, शायद मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर की थी बात। अच्छा, लास्ट टाइम मैं आपसे वर्ल्ड कप से पहले मिला था ना, आप लोगों से वियतनाम में वर्ल्ड कप से पहले तो हुई थी ना आप लोगों की मुझसे, याद है आप लोगों को? तब तक तो मैंने ये कहा था कि अफगानिस्तान को सिर्फ स्पॉन्सर किया, अफगानिस्तान इस बार अच्छा परफॉर्म करेगी, याद है आप लोगों को? करा था कि नहीं करा था? उस दिन की वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि शायद मैं अफगानिस्तान को सेमीफाइनल तक देखना चाहूंगा, फाइनल तो डी जीतेगी। तो वैसे ही कैमिका चैंप में आपको इमेजिन नहीं कर सकता कि दो ओवर में दूसरी टीम को 22 रन चाहिए, तीन ओवर में 22 रन चाहिए। पीएलसी की टीम थी दूसरी तरफ बॉलिंग कर रही, दूसरी टीम के प्लेयर ने एक ओवर में 20 रन मार दिए। अब दो ओवर में दो रन चाहिए, कितने रन चाहिए दो ओवर में? दो रन। लोगों को लगा फाइनल पीएलसी हार गई। अब दो ओवर में दो रन चाहिए, पिछले ओवर में 20 रन मार के आया प्लेयर, तो क्या लगता है कि उस सिचुएशन में कौन थॉट प्रोसेस क्या होगा? शायद ग्राउंड में 2-3 हजार लोग होंगे, उनमें से सिर्फ एक ही बनता था कि नहीं शायद टीएलसी अभी भी जीत सकता, तो वो मैं था सर। और मैंने टीम को इकट्ठा किया, तो क्या मित्र चैम का हमारा जो टूर्नामेंट होता है उस तरीके से होता है कि दो ओवर लास्ट के जो होते हैं वो गर्ल्स खेलती हैं, गर्ल्स ही बॉलिंग करेगी, गर्ल्स ही बैटिंग करेगी। तो मैंने अपनी पूरी टीम को समझाया कि लोगों को लग रहा है कि दो ओवर में दो रन इजीली बन जाएंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि सिर्फ मैच जीतने के लिए दो बॉल ऐसी चाहिए जिनसे दो विकेट हो जाए। टीम को समझ आ गया और दो विकेट हो गई। थैंक यू सर वेरी मच सर। सर अभी आप बहुत सुनना बाकी, आप सारे राज खोल दोगे। थैंक यू सर।